ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री राजेंद्र राठौड़ मंत्री वन। अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत जल संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी के जल के बंटवारे हेतु राज्यों के मध्य वर्ष 1994 में हुए MOU के अनुसार राजस्थान को 1.119 BCM जल आवंटित हुआ। अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 में राजस्थान को वर्षा काल में ताजेवाला हेड से 1917 क्यूसेक एवं ओखला हेड से 1281 क्यूसेक की स्वीकृति दी गई। केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2003 में ताजेवाला हेड से आवंटित 1917 क्यूसेक पानी की हरियाणा की नहरों द्वारा राजस्थान लाए जाने हेतु प्रस्ताव पर स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि हरियाणा सरकार इस पर अपनी सहमति प्रदान करे। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2003 में सहमति हेतु MOU हरियाणा सरकार को भेजा गया, परंतु हरियाणा सरकार द्वारा वर्षों से यह सहमति नहीं दी गई। राजस्थान सरकार द्वारा ताजेवाला हेड से राजस्थान के हिस्से का पानी लाए जाने हेतु पाइपलाइन पर आधारित DPR दिनांक 22 फरवरी 2019 को ऑनलाइन केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी गई। परियोजना की क्रियान्वित के लिए हरियाणा को सहमति हेतु MOU प्रेषित किया गया है, जिस पर हरियाणा की सहमति अपेक्षित है। परियोजना की DPR संशोधित कर पुनः 8/1/2021 केंद्रीय जल आयोग को ऑनलाइन प्रेषित कर दी गई है। संशोधित DPR के अनुसार परियोजना के प्रथम चरण की लागत राशि 14,204.81 करोड़ एवं द्वितीय चरण की लागत राशि 17,162.04 करोड़, कुल लागत राशि 31,366.86 करोड़ आंकी गई है। परियोजना की संशोधित DPR पर केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में दिनांक 2 फरवरी 2021 को प्रस्तुतिकरण कर दिया गया है। DPR की शीघ्र स्वीकृति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिस्टेड करने के लिए मैंने प्रार्थना आपको उस समय की जब माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय ने पेयजल की मांगों का उत्तर देते हुए सदन को आह्वान किया कि कुछ इस प्रकार के मसले हैं, कुछ इस प्रकार के अंतर्राज्य जल विवाद है, जिन पर सदन को एकमत होकर राजस्थान के हित की बात करनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा आपके उस सदन में कहे गए वाक्य का। और आपने सही कहा, वक्त था 12/5/1994 का। उसमें पांच राज्यों के बीच में जो समझौता हुआ, भैरव सिंह जी शेखावत के जो तर्क से निकले हुए जो तर्क थे, उनके आधार पर यमुना के सरप्लस पानी में जो आज जैसा आपने बताया 1.119 BCM का हिस्सा हमें आवंटित हुआ। और आपने आपको मालूम होगा इसके लिए 11/3/1995 में इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए अपर यमुना बोर्ड बना, और अपर यमुना बोर्ड की दर्जनों मीटिंग के बाद वो समय भी आया जब जल संसाधन मंत्रालय CWC ने कहा, स्वीकार किया सिद्धांत थे कि ताजेवाला हेड से चूरू और झुंझुनू को और सीकर को, चूरू और झुंझुनू को 1,96,000 हेक्टर की उसकी भूमि के लिए सिंचाई के लिए, और सीकर में फ्लोराइड पानी से जहाँ से शिक्षा मंत्री जी आते हैं उसे मुक्ति के लिए उनको पानी दिया जाएगा इसमें से। और ये भी कहा ओखला डैम से 1771 क्यूबिक पानी भरतपुर और करौली को 1281 क्यूबिक पानी और चूरू और सीकर को 1971 पानी देने का एक सिद्धांत फैसला हुआ 2001 के अंदर। अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की सरकार ने स्वीकार किया कि ये पानी ताजेवाला और ओखला तक लाने के लिए नहरों का जो रिमॉडलिंग होगा उसका पैसा राजस्थान की सरकार देगी। और 2003 मंत्री महोदय आप लिख लें चाहे, वो समय था जब CWC ने मोहर लगा दी कभी जो और दो शर्तें लगा दी, एक तो नहरों की रीमॉडलिंग का पैसा जो हरियाणा इलाके में हो चाहे राजस्थान के क्षेत्र में हो राजस्थान की सरकार देगी, और ये कैरियर जो नहर है इसमें हरियाणा के हिस्से का काम और राजस्थान के हिस्से का काम एक साथ प्रारंभ होगा और हरियाणा सरकार इसमें अपनी सहमति देगी। और सभापति महोदय,
7/2/2003 को जब ये सारी बात हो गई तब हरियाणा ने मुकरना प्रारंभ कर दिया। हरियाणा में सरकार हमारी है, मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं, पर ये सरकार किसी की भी हो, हम इस सदन के अंदर राजस्थान के आवाम के हितों के लिए बैठे हैं, राजस्थान के हक के लिए बैठे हैं। और 2007 के अंदर तत्कालीन हरियाणा सरकार ने कहा कब आपको ना तो ताजेवाला से पानी देंगे ना ओखला से देंगे, आप पानीपत पर एक बैराज बनाए। और सभापति महोदय, इसके साथ एनडीसी की बैठक हुई, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनडीसी की बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इस बात को उठाया कि हरियाणा को सरकार के पास जो एमओयू के आधार पर जो हमारा हक है उसका पानी मिलना चाहिए। वसुंधरा जी ने एनडीसी की मीटिंग में उठाया, भैरव सिंह जी इसको उठाते रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है प्रतिपक्ष के नेता एनडीसी की बैठक में चंडीगढ़ गए थे, उस समय आपने भी इस बात को उठाया। 1994 के एमओयू के अनुसार 15 वर्ष के बाद इसका रिव्यू होना चाहिए था 2015 में, और हमारा दुर्भाग्य है कि एमओयू अभी चालू नहीं हुआ। और इसी बीच में राजस्थान उच्च न्यायालय में पीआईएल लगी, यशवर्धन सिंह की पीआईएल में अब प्रति महीने उच्च न्यायालय इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, और 2018-19 के बजट में, कहने में संकोच नहीं, आपने भी इसका उल्लेख किया, 2018-19 के बजट में पाइप से हरियाणा के अंदर से जो पानी हमारा यमुना का हिस्सा है वो सरप्लस पानी लाने के लिए पाइप से योजना बनाने के लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी, और CWC ने अध्यक्ष महोदय फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर सिद्धांत सहमति जब कर दी तो उसके बाद PD कोर को DPR बनाने का काम प्रारंभ हुआ, उसकी सोशल स्टडी हुई, उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी हुई, उसके बाद आचार संहिता आ गई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अभी CWC में 8 जनवरी को आपने दो फेज जिनका जिक्र आपने किया 14,204 और 17,162 इसके आपने पाइपलाइन योजना बना के भेजी, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए सभापति महोदय, ये जो घोषणा है इस घोषणा पर नैतिक दायित्व आपका बन जाता है। ERCP के लिए आप कई बार प्रधानमंत्री जी का नाम देते हैं, क्या ये सही नहीं 3 मई 2019 को भरतपुर के अंदर लोकसभा के चुनाव थे, आपके सबसे बड़े नेता राहुल जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, पायलट साहब थे, और कहीं आप नजर दूर आप भी होंगे, उस समय क्या राहुल गांधी जी ने भरतपुर के करौली के लोगों को ये नहीं कहा था हम किसी भी हालत में इस पानी को पिलाएंगे? साइड ट्रैक नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, मैं चाहूंगा, मैं मेरी बात समाप्त करता हूं सभा अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा ये सदन सर्वसम्मति से एक संकल्प आज पारित करे कि यमुना के जल के अंदर राजस्थान का जो हिस्सा है जो MOU किया है, क्योंकि आपको याद हो पंजाब ने हमारे हिस्से का पानी रोकने के लिए पंजाब टर्मिनेशन एक्ट लेकर आए थे, विधानसभा में संकल्प पारित किया था, क्या हम संकल्प पारित नहीं कर सकते आज के दिन? मेरा प्रस्ताव है मंत्री महोदय का, आप संकल्प रखें उसको पारित हो ताकि यमुना का पानी चूरू और झुंझुनू के जमीन को सब्ज कर सके। कटहरा जी, महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सदन के सभी पक्ष और विपक्ष के सदस्य, क्योंकि हमारी कई योजनाएं पानी के इस बंटवारे को लेकर के हम कई वर्षों से जूझ रहे हैं, कई बार हम उनको इस स्टेज पे ले आते हैं कि वो इस बात पर एग्री भी कर जाते हैं, लेकिन वापस जैसे ही समय गुजरता है वो फिर इससे मुकर जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि चाहे इसका हो चाहे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड हो, हमारा अभी तक अधिकृत रूप से सेक्रेटरी राजस्थान का होता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इतना प्रयास करने के बाद वहाँ कमेटी में स्वीकार कर लेने के बाद भी हमारा उन्होंने किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया। मैं चाहता हूँ ये सदन राजस्थान की वो सारे के सारे पानी का बंटवारा जिसके कारण से राजस्थान प्रभावित हो रहा है, चाहे वो आपके समय हुआ चाहे हमारे समय हुआ, उसको टोटल एक साथ मिलाकर एक संकल्प हमको लाना चाहिए जो राजस्थान के विभिन्न प्रकार के पानी के बंटवारों का हमारा जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा हम संकल्प पास करके आप और हम सब साथ चलें, और वास्तव में जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए जिसके लिए हम वास्तव में अधिकृत हैं, क्योंकि प्रारंभ से ही जब से ये ट्रीटी हुई थी तब से लेकर के हमको इस रेगिस्तानी एरिया को सोच करके दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सबको एग्जाई करें
जहाँ जहाँ से भी पानी के बंटवारे का राजस्थान को फायदा मिलना चाहिए उन सब योजनाओं को क्लब करके अब की बार सदन में एक संकल्प ला करके हम सब लोगों की सहमति से पास करें और उसके बाद समय निकाल करके उनसे समय लेकर के इसके बारे में जहाँ जहाँ जिन जिन से मिलना आवश्यक हो मिल करके हम सामूहिक रूप से पैरवी करें ताकि राजस्थान का ये जो पानी है ये राजस्थान को मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा, ओखला हेड से हमको जो पानी 1281 क्यूसेक मिलना चाहिए उससे ज़्यादा पानी हम ले रहे हैं, किंतु ताजे वाला हेड के से जो हमको 1917 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए वो निरंतर हरियाणा सरकार की अनदेखी के कारण और उनके असहयोग के कारण ये पानी हमको नहीं मिल पा रहा है। मैंने स्वयं जल संसाधन मंत्री जी जो राजस्थान से ही माननीय गजेंद्र सिंह जी से बातचीत की, उन्होंने कहा आप DPR बना करके भेजो, मैं स्वयं बात करूंगा और बात करके इसका कोई उपयुक्त सोल्यूशन निकालूंगा। और सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारियों से हमारे अधिकारियों ने बात की है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस बार आपने जो पाइप के माध्यम से ताजेवाला हेड से पानी लाने की बात की है वो आपकी उपयुक्त है, हम चाहेंगे कि इसको हम स्वीकृति दें और हरियाणा भी इस पर सहमति दे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा ने तो हमको सर्वे करने की भी इजाज़त नहीं दी, इसके कारण से हमने वहाँ पर लीडर सर्वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया, PD Corps के माध्यम से, मतलब उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया हमको, इस कारण से बड़ी दिक्कत आई है। चूँकि फरवरी में हमने प्रस्ताव भेजा है और हमको ये आश्वस्त किया हुआ है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम सदन के सभी माननीय सदस्य, जैसे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, जैसा यमुना नदी का है, इस सब के बारे में सब मिलकर संयुक्त प्रयास करेंगे ताकि राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को समय पर मिल सके। चर्चा समाप्त हुई। वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव, महेंद्र चौधरी जी।